कोरोना वैश्विक महामारी को पूरे विश्व में पहले लगभग 1 साल के आसपास का समय हो गया है, लेकिन वही भारत में यह एक समय तेजी से फैलता नजर आया था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन शुरू किया था ताकि देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं यदि बात की जाए अब हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में भी 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुए। लॉकडाउन एवं सख्ती का परिणाम यह रहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हुए संक्रमित मामले भी कम हुए हैं और अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मृत्यु भी कम हुई है। बेशक देश अनलॉक 6 की ओर बढ़ रहा है तथा केंद्रीय एवं प्रदेश गृह विभाग के दिशा निर्देश अनुसार सभी स्थानियों को मद्देनजर रखते हुए खोल दिया गया है, और जहां अब मौसम परिवर्तन के चलते प्रदेश में ठंड शुरू हो गई है तथा अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। वहीं इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले अभी कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं, जिसका श्रेय जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ को जाता है, जिन्होंने समय रहते पूरे देश में लॉकडाउन करने की घोषणा की, तो वहीं साथ ही यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह से लॉकडाउन तथा अनलॉक के चलते पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू किए तथा प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता बरती, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हालांकि अब कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए बीते कुछ दिन पहले भी पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी। वहीं फिर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जहां प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा की जाएगी, तो वहीं कोरोना संक्रमण के टेस्टों को बढ़ाने को लेकर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए जहां नवंबर के अंत तक का समय तय किया गया है, वहीं इन अस्पतालों को बनाने के लिए 8.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि एसटीआरएस द्वारा दी जाएगी। रिकवरी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सावधानी जो है वो हमें रखनी पड़ेगी। आगे सर्दियां आ रही हैं और त्योहारों का जो है वो सीज़न भी जो है वो आ रहा है, इसलिए बहुत विशेष सावधानी जो रखने की आवश्यकता है। पहले से भी कहीं अधिक जो है मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, सोप और सैनिटाइज़र के माध्यम से हाथों को विषाणु रहित करना, ये तीन प्रयोग जो हैं या ये तीन जो आते हैं, ये हमको और भी ज़्यादा मजबूती से हमको पकड़नी पड़ेंगी। तभी मैं कह सकता हूँ कि ये जो अब जो केसेस घटने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। और एक और बात मैं बहुत दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि 100% ये जो तीन जो ये सूत्र हैं, अगर इसको हम सब अपना लें, तो शून्य जो है वो केसेस जो है वो शून्य भी हो सकते हैं, बशर्ते कि 100% इसको जो है हम अपनाएं। मास्क का हम प्रयोग ठीक से करें, नाक के ऊपर जो है हमेशा मास्क रहे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग, और अन्यों के संपर्क में आने पर जो है वो सोप सैनिटाइज़र के प्रयोग से हाथों को विषाणु रहित करना, वस्त्रों को सैनिटाइज करना, धोना साबुन से और स्नान इत्यादि, यानी जो स्वच्छता का सामान्य नियम है। इसलिए आगे आने वाले समय के लिए जो आपने कहा कि चुनौती, तो चुनौती यही है कि सर्दियों में हमको जो है विशेष एहतियात जो है वो हमको बरतनी पड़ेगी। इसके बारे में कोई अपडेट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक जो है वो स्टेटमेंट थी, क्योंकि उनके पास आधिकारिक जानकारी मुझे लग रहा है इस विषय को लेकर के होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी तक जो है वो वैक्सीन आने की संभावना है। हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत शीघ्र जो है वो ये वैक्सीन मार्केट में आ जाए, और जब ये आएगी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, तो उनको ये पहले प्रयोग होगा। मतलब एक अनुमान के तौर पर मैं इसको कह रहा हूँ, हालांकि अभी इसके बारे में क्या योजना बनेगी वो तो वैक्सीन जब आएगी तो तब ये तय होगा सारी चीज़ें। टेस्टिंग सर बढ़ाने को लेकर टेस्टिंग बढ़ानी है, हाँ, हमने पहले भी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर हमने कहा था कि टेस्टिंग को जो है हम बढ़ाएंगे, 4,000 के करीब जो है हम इसको लेकर के जाएंगे, तो इसके बारे में कार्य योजना जो है अभी बननी है। अभी हमारी कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, और अलग से भी विभाग के साथ बैठ करके और सबके साथ बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी, तो उसमें योजना जो है हम इसकी बनाएंगे। सर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को लेकर जो एक निर्णय लिया गया था पूर्व में कैबिनेट में, कहाँ वो जो है अभी स्थिति कहाँ तक है और कब तक बन जाएंगे प्रदेश में ये सभी? ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो हैं, ये
क्योंकि इसमें कोई भी कार्य जो नया शुरू होता है तो उसमें व्यवधान तो आते हैं। जैसे हम नाहन का जो है वो बनना सबसे पहले तय था, लेकिन वहाँ ज़मीन उपलब्ध ना होने की वजह से मुझे लग रहा है कि अब वहाँ अभी संभावना जो है उसकी नहीं बन पा रही है। लेकिन अन्य स्थानों पर जो है बहुत शीघ्र ये बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए जो समय सीमा जो है वो मुझे लगता है नवंबर के एंड तक जो है ये बन करके तैयार हो जाएंगे। सर कितनी लागत से जो है ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनने वाले हैं 8.5 करोड़ की लागत से। और ये फंड जो हैं ये SDRF जो ये फंड है वहीं से जो है इसके लिए जो है वो खर्चा हो। सर प्राइवेट लैब को भी क्या कोरोना टेस्ट के लिए अधिकृत करने का कोई प्लान इस तरह का है या सिर्फ सरकार ही अपने स्तर पर करेगी और निशुल्क जो चला है प्रोसेस वही रहेगा? अभी तक तो कोई ऐसी जो है वो नहीं है, प्रपोजल नहीं है कि प्राइवेट टेस्टिंग जो है वो करवाई जाए, लेकिन अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो इसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे हम। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।